फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइशाज वर्ल्ड। तो आप लोगों ने कैंपिंग करके बहुत सुना होगा। आपको पता है ग्लैम्पिंग करके भी कुछ होता है या? तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ट्रायंगल ग्लैम्पिंग का मीनिंग। तो नॉर्मल इट्स ग्लैम्पिंग यानी वो कैंपिंग के जैसा होता है, बट इट्स अ मॉडर्न वे ऑफ कैंपिंग। तो ये पुणे से नज़दीक है एंड इट्स मेरे अब तक के एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कैंपिंग का। क्योंकि नॉर्मल कैंप्स में क्या होता है, हमें एक कॉमन बाथरूम दिया जाता है, फिर कॉमन चीज़ें होती है, हर चीज़ कॉमन, बॉनफायर हो गया या फिर डिनर साथ में। लेकिन ट्रायंगल ग्लैम्पिंग आपको पूरा आपका जो भी है, आपका डिनर, आपका बॉनफायर, आपका जो टाइमिंग है, वो सब आपका प्राइवेट है। आपका एक एरिया होता है, उस एरिया में वो आपने आपको बताते कि इतना आपकी जो भी है आपका एरिया है और आप इसमें आपका करो, और हमें पूरी प्राइवेसी दी जाती है। और फिर ये ग्लैम्पिंग में क्या क्या है, या फिर सब लोग, अब हम लोग कोविड के दौर से जा रहे हैं, तो यू नो सब लोग कोविड के, सब लोगों ने जो है ना वैक्सीन ली है नहीं है, तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं ग्लैम्पिंग। यहाँ पे पहुँच चुके हैं। It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. But you love me like that. Okay, so this is our tent. ये यहाँ पे उन्होंने एक प्राइवेट डाइनिंग टेबल दिया है एंड स्टार गेजिंग करने के लिए छोटे दिए। एंड लुक एट दिस रिवर व्यू। एंड ये बॉनफायर के लिए, सो ये ऐसा है लाइक हर किसी के लिए प्राइवेट। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want. Information about everything, like what is glamping, then what are the included things, what are non-included things, and what are about the farm site, what is about like campsite, कैसे कैसे सारे steps होंगे हमारे, वो सारी चीजें मैं अभी बताने जा रहा हूँ। So basically glamping, that word defines itself like glamorous camping. एक ordinary campsite में कैसे होता है, like camping tents, फिर common washroom, common play area, common bathroom, सब चीजें common होती हैं। यहाँ पे कॉमन ये फैक्टर हम लोग कम यूज़ कर रहे हैं। सो यूजिंग कॉमन फैक्टर फॉर वॉशरूम्स एंड प्ले एरिया। सो देयर आर टू प्ले एरियाज। ये एक बड़ा जो प्ले एरिया है टेनिस फॉर लाइक प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल आप खेल सकते हो। और वहाँ पे नेट लगा हुआ है सामने, द स्क्वायर लैंड, वो जो है वहाँ पे भी आप बैडमिंटन, वॉलीबॉल खेल सकते हो। दैट प्रॉपर लॉन इज हैविंग अ वॉक एरिया आल्सो। उसके साइड से वॉक एरिया भी बनाया हुआ है। सो जैसे खाना खत्म हो जाए, चलो थोड़ा सा चलना है आपको, तो यू कैन टेक अ वॉक ओवर दैट। तो ये हो गया अबाउट प्ले एरिया। अभी दूसरा जो कॉमन फैक्टर मैंने बताया, कॉमन वर्ड, दैट इज़ फॉर वॉशरूम्स। सो वॉशरूम अगर आप लोगों ने यूज़ करे होगा आने के बाद से, तो आपने देखा होगा कॉमन वॉशरूम्स होके भी अच्छे से हम लोग ने मेंटेन रखे हुए। ऑल वॉशरूम्स आर हैविंग प्रॉपर शॉवर इनसाइड, कबर्ड सिस्टम है, और चारों में से दो स्पेशली, दो सेपरेटली लड़कियों के लिए वॉशरूम है, दो लड़कों के लिए। चारों वॉशरूम्स में शॉवर है, चारों में से लेडीज़ के एक वॉशरूम में गीजर लगा हुआ है, जेंट्स के भी एक वॉशरूम में गीजर लगा हुआ है, तो इसलिए बाथिंग सिस्टम इज़ परफेक्टली फाइन। सो नो इश्यूज़ अबाउट वॉशरूम। फिर भी अगर कुछ क्लम्सी होता है, आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दिया, कुछ नजर आया, तो हमें बता दीजिए, हमारे केयरटेकर इंस्टेंटली रिजॉल्व कर देंगे। सो दिस इज अबाउट वॉशरूम। नाउ नेक्स्ट बेसिकली कैसे है कि यू शुड नो अबाउट ओवरऑल ग्लैम्पिंग साइट, कि कहाँ तक है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। सो ये हमारा मेन डोर है, यहाँ से हमारा कैंप साइट स्टार्ट होता है। तो इधर कैंप में देखिए
cover, there are five triangle tents. So 1, 2, 3, 5. So 5 triangle tents. Then there is in that bigger one, that is AC cabin. उसके आगे दो wooden cabin है. Then उसके बाद में camping areas है. अभी सबसे पहले जैसे मैंने आपके सबके vaccine certificate check किए, so आपको भी हमारे बारे में जानना जरूरी है. So we all are vaccinated. मैं खुद मैनेजर, आई एम द मैनेजर ओवर हियर आदिनाथ, और यहाँ के ओनर के पिताजी जो एक फार्म संभालते हैं, तो हम लोग सारे फुली वैक्सीनेटेड है. यहाँ पे जो हमारे केयर टेकर है उनमें से एक फुली वैक्सीनेटेड है, एक सिंगल वैक्सीनेटेड है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग भी प्रिकॉशन संभाल रहे हैं. दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, कोविड नॉर्म्स हम लोग पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं. जैसे कि देखिए कि वी आर हैविंग ऑक्यूपेंसी ऑफ अराउंड 50 पीपल. अभी आप बोलेंगे कैसे, सी वी आर हैविंग 8 triangle tents. सो हर एक का ऑक्यूपेंसी देखने जाएंगे 3 लोगों का है. इसके अलावा हमारे पास कुछ कैंपिंग टेंट्स भी है, तो कैंपिंग टेंट्स अगर काउंट करेंगे तो मोर देन 50. बट फिलहाल हम लोग कोविड की रिस्ट्रिक्शंस वजह से कैंपिंग टेंट्स के बुकिंग ले ही नहीं रहे. सो ओनली 8 couples आर देयर टुडे. सो बेसिकली 16 people, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग ही हम लोग अलॉट कर. सो दिस इज़ अबाउट द कैंप साइट. यहाँ से स्टार्ट होके जो पीछे बैकडोर गेट है, ये पूरा 1.5 acre है. इसमें ये कैंप्स हो गए हमारे, फिर प्ले एरिया, एक सर्विंग एरिया, फिर ये वॉशरूम और लॉन्स वगैरह प्ले एरिया ऐसे हैं. फिर कैंप साइट के सराउंडिंग्स में जो सारी चीज़ें वो आपको बता दूँ, एक अराउंड 25 acres के जो फार्म्स आपको दिख रहे हैं आजू बाजू में, वो सारे फार्म्स सेम ओनर के, दैट इज कुसमाड़े फैमिली होते. तो आपने जहाँ से एंटर किया, यू मस्ट हैव एंटर फ्रॉम दोस्ती होटल और माइट बी सुकांता होटल, तो वहाँ से जो स्टार्ट होते हैं वो यहाँ तक. तो जैसे मैंने बता दिया, फार्म्स में गेहूँ की खेती है, फिर ऊपर गन्ने की खेती है, उसके आगे गुआवा फार्म्स है, फिर उसके आगे कस्टर्ड एप्पल की चीज है, ताक की खेती है, इवन नारियल के पेड़ जो आपको एक लाइन से दिख रहे हैं. तो यू कैन जस्ट एंजॉय द नेचर अलॉन्ग विद फार्म. ऐसे फार्म्स में हम लोग एक प्लेस ऐसा है जहाँ पे आपको जाने के लिए रिकमेंड करते हैं, वो एग्जैक्टली ये डायरेक्शन में. ये डायरेक्शन में आपको जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, एग्जैक्टली द बिगर वन, जो नारियल के पेड़ों के बाजू में एग्जैक्टली बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे देयर इज एन ओल्ड काइंड ऑफ वेल, एक पुराना कुआ है वहाँ पे. वो बर्ड वॉचिंग के लिए एक अच्छी जगह है. इट्स नाइस प्लेस फॉर बर्ड वॉचिंग काइंड ऑफ. सो कौन से पंछी वहाँ पे दिखेंगे, तो मोस्टली आपको वहाँ पे दिखेंगे वीवर बर्ड्स. मराठी मध्ये आपण सुगरण बोलतो, सुगरणचे खोपे असतात ना. सो विवर बर्ड्स के वो जो बॉटल नेक वाले ऐसे नेस्ट होते ना, वो बहुत सारे. तो यू कैन जस्ट एन्जॉय द बर्ड वॉचिंग ओवर देयर. तो आप जाओगे कभी, एक तो सनसेट होने के बाद जब भी पंछी घर पे आते हैं, या फिर सनराइज होने के बाद जब भी घर से निकलते बाहर वैसे, तो वो टाइम पे आप जाओगे तो दैट इज बेटर. सो दैट इज अबाउट बर्ड वॉचिंग पॉइंट. फिर दूसरी एक जगह हम लोग आपको जाने के लिए रिकमेंड करते हैं, रिवर साइड. अभी आप बोलेंगे यार इतना तो रिवर साइड आ गया और किधर जाएंगे. सो एवरी टेंट इज हैविंग रिवर व्यू, बट प्रॉपर नदी किनारे जाके आपको एंजॉय करना है. प्रॉपर नदी किनारे जाके इफ यू वांट टू बी पीसफुल काइंड ऑफ, सो यू कैन जस्ट टेक अ वॉक स्ट्रेट. ये जो पाथवे बना हुआ है यहाँ से सीधा चले जाए, पीछे बैकडोर गेट है, वहाँ से नीचे उतरोगे. सो देयर इज अ प्रॉपर लाइक बैठने के लिए अच्छे से जगह है. मतलब यहाँ से आप देखो इस काइंड ऑफ मडी सर्फेस, यहाँ से उतर नहीं सकते आपके टेंट के सामने, बट वहाँ पे आप फोटोज वगैरह खींचने के लिए अच्छे से जगह है वहाँ पे. सो दिस इज अबाउट लाइक दो पॉइंट्स मैंने बता दिए. अभी जैसे गेम्स मैंने आउटडोर एक्टिविटीज बता दिए, सपोज इफ यू लव विद लाइक इंडोर गेम्स या फिर बैठ के कुछ गेम्स खेलें, सो कार्ड्स, ऊनो, मोनोपोली, बिजनेस, डार्ट, लूडो, स्नैक्स एंड लैडर, कैरम, चेस, ऐसे बहुत सारे इंडोर एक्टिविटी गेम्स है. कुछ माइंड गेम्स में जैसे पजल गेम्स होते हैं, लाइक ओथेलो इज ऑल्सो देयर, जेंगा चाहिए, जेंगा गेम भी है. तो ऐसे बहुत सारे इंडोर एक्टिविटी गेम्स है, वो सारे गेम आप अपने पर्सनल एरिया में लाके खेल सकते हो. तो आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे आपका कंफर्ट और प्राइवेसी, ये दो जो चीज़ें उसके ऊपर फोकस करते हैं. कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक टेंट में प्रॉपर वेकफिट के बेडिंग है, बेडिंग कर रहे हैं, लाइक कोई भी ऐसी लोकल बेडिंग वगैरह नहीं किया हुआ है. सो बेसिकली वेकफिट के बेडिंग है सब में, पिलोज भी आपको वेकफिट के देते हैं, और ओढ़ने के लिए आपको ऐसे चद्दर या ब्लैंकेट नहीं दिया जाता है, आपको कंफर्टर मिल जाते हैं. अगर ठंड बढ़ती है तो यू कैन आस्क फॉर एक्स्ट्रा कंफर्टर विदाउट एनी चार्जेस. नेक्स्ट थिंग, लाइक आपको प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम लोग ने जो सेक्शन बनाया वो ऐसे बनाया कि आपको हम लोग एक एरिया अलॉट कर रहे हैं. यू आर नॉट अलाउइंग यू एक टेंट, ये आपका टेंट है भाई यहाँ पे सो जाओ सिर्फ. आपको हम लोग एक एरिया अलॉट कर रहे हैं जिस एरिया में आपको एग्जैक्टली क्या मिला, एक ट्राइंगल टेंट, फिर उसके सामने एक डाइनिंग टेबल है, फिर रिवर साइड बेंच है, फिर एग्जैक्टली बॉनफायर एरिया है. मतलब ये आपका एरिया हो गया. जैसे मेन डेडिकेटेड देने की वजह से आपको अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने फैमिली में अपने जो मेंबर्स हो रहे हैं उनके साथ हम लोग टाइम बिताना अच्छा समझते ज़्यादा से. बेसिकली ऐसे होता है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ में कोई बंदा कैसा है, कोई नहीं कैसा है, कोई कितने गॉसिप क्या चल रहा है, तो उसमें थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है. सो इससे बेटर कि आप अपने लोगों के साथ अच्छा टाइम बिता पाओ, इसीलिए हम लोग ने सबको अपना अपना प्राइवेट एरिया दे देता. तो ये हो गया सारी चीज़ें. अभी आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें मैं बेसिक और टाइमलाइन ये चीज़ें बताना. बेसिक चीज़ें जो होती है उसमें एक वॉशरूम के बारे में ऑलरेडी आई हैव इन्फॉर्म. दूसरी जो बेसिक चीज़ होती है पानी, तो आपके सबके टेबल के ऊपर पानी बॉटल और ग्लासेस रखे हुए हैं.
फिलहाल हम लोग कोविड के दौर से चले, तो इसीलिए हमें हमारी जो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि पानी बॉटल आप अपनी खुद रिफिल कीजिए। उसका रीज़न एक है कि बॉटल अनटच रहेगी, आपके भी मन में ये रहना हो या भाई जिसने दिया उसने हाथ सैनिटाइज किए धोए नहीं धोए कुछ टेंशन नहीं, आप खुद अपनी बॉटल रिफिल कीजिए क्योंकि उन्होंने पहले आपको क्लीन करके भर के ला के रख दिया, आप रिफिल कीजिए। तो रिफिल करने के लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ से आप अपना जो सर्विंग एरिया है वहाँ पे आपको डिस्पेंसर दिख रहा है तो वहाँ से आप ठंडा पानी सादा पानी गर्म पानी चाहिए वैसा ले सकते हो। दूसरी बात है जैसे इफ़ यू आर नॉट ओके विद बिस्लरी, इफ़ यू आर नॉट ओके विद द फिल्टर्ड वाटर यू कैन आस्क फॉर बिस्लरी। सो बिस्लरी आप खरीद सकते हो, कुछ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स कुछ कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कि स्प्राइट कोको कोला थम्सअप वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनको आपको खरीदना है जितने चाहिए वैसे ले लीजिए, फिर उसका बिलिंग कल सुबह होगा, हर बार आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, उसका बिलिंग कल सुबह हो जाएगा। सो इट इज़ अबाउट बेसिक। अभी आते हैं टाइम लें लास्ट सेगमेंट, कितने बजे क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मैंने बता दिया एवरीथिंग इज़ पर्सनलाइज्ड, तो एवरीथिंग विल बी ऑन योर टेबल, आपको कहीं पे जाना नहीं है, कॉमन ऐसे कुछ सर्विंग नहीं है, सिर्फ आपको टाइम टाइम पे बच्चे आके पूछेंगे सर स्नैक्स लाना है सर खाना लाना है वो चीज़ें। तो एग्जैक्टली एट 5:30 वी आर गोइंग टू सर्व यू स्नैक्स ऑन योर टेबल। स्नैक्स में आपको गोभी मंचूरियन ट्राई उसके साथ में शेजवान चटनी और चाय ये आपको सर्व किया जाएगा। वो होने के बाद स्नैक्स होने के बाद बेसिकली एक अराउंड 7 बजे हम लोग स्पीकर चालू करते थे, यहाँ पे कॉमन एरिया जो होता है वहाँ पे म्यूजिक चालू रहता है, और म्यूजिक में कैसे सी यू आर हियर फॉर स्पेंडिंग टाइम विद योर पार्टनर काइंड ऑफ, मोस्टली हम लोग कपल्स को ही इनवाइट करते हैं या फिर फैमिलीज ऑल्सो, ऐसे बहुत बड़ा ग्रुप ऐसे डीजे डीजे वाले वगैरह गाने तो हम लोग मोस्टली बजाते नहीं, कैंपिंग वाइब्स के हिसाब से लोफाई रोमांटिक ट्रैक्स प्ले करते हैं। हाँ ऑन योर रिक्वेस्ट कुछ सेलिब्रेशन है आपको कुछ 5-10 मिनट के लिए आपकी प्लेलिस्ट बजानी है नो इशूज़, आप हमें पूछ लीजिए आप हम आपको अलाउ करते हैं। सो दिस इज अबाउट लाइक म्यूजिक। उसके बाद अगर आपने अपना पर्सनल स्पीकर कैरी किया हो आप अलाउड इट इज़ अलाउड आप उसको बजा सकते हो, सिर्फ रात को 10 बजे के बाद लाउड नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं नेक्स्ट टाइम इज़ अबाउट 7 o'clock। 7 o'clock को जैसे म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है बच्चे हमारे बॉनफायर के लिए प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, तो एग्जैक्टली समझ लीजिए 7:30-8 के बीच में आपका सबका डेडिकेटेड बॉनफायर जल जाएगा स्टार्ट किया जाएगा। सिर्फ डेडिकेटेड बॉनफायर आपको दे रहे हैं क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आपका अपना बॉनफायर खुद एंजॉय कर पाए, इसीलिए बॉनफायर मोस्टली 10:30-11 बजे तक चलेगा, इतनी लकड़ियाँ हम लोग आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आपको लेट नाइट बैठने का ऐसे सोचा है आपने या फिर आपका कुछ प्लान है कि चलो आराम से लेट नाइट बैठेंगे घर पे फिर लड़ाएंगे, तो आपको जितनी सारी लकड़ियाँ दी जाती है वो पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो आप। और इनकेस अगर आपको ऐसे लग रहा है कि यार कि मेरी लकड़ियाँ तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन फिर भी मुझे बैठना है लेट नाइट, देन ओनली यू हैव टू बाई 100 वुड्स बाई पेइंग 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। मतलब अगर आपकी लकड़ियाँ खत्म होती है तो ही आपको 100 रुपीज़ पे करके एक्स्ट्रा वुड्स लेने हैं, वरना वो इट्स नॉट चार्जेबल एट ऑल। सो दिस इज़ अबाउट बॉनफायर। अभी बॉनफायर में पहली बार जो लकड़ियाँ डाली जाती है वो पूरी तरह से जल जाने के बाद जो कोल जमा हो जाता है जो अंगार बोलते हैं हम लोग जो निखारा पड़ता है उसी के ऊपर हम लोग नेचुरल तरीके से बेसिकली यहाँ पे बारबेक्यू बनाया जाता है। सो बारबेक्यू आपको रोस्ट करना होता है। सो आपने ऑलरेडी यू हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट द फूड कि वेज नॉन वेज आपने काउंट दिया हो, तो उस हिसाब से आपको आपके स्टिक्स पर पर्सन 1 stick इज इंक्लूडेड इन द पैकेज वो आपको मिल जाते हैं, और वो रोस्ट करने के लिए ग्रिल स्टिक फोक प्लेट बटर अप्लाई करने के लिए ब्रश और स्पैचुला जो सारी चीज़ें होती है यूटेंसिल्स सारे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो सेटअप करके देते हैं आपको, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। आपको टेस्ट पसंद आया तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डर कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डर करते टाइम लाइक पनीर का स्टिक आपको 100 रुपीज़ पर स्टिक है, चिकन का स्टिक 120 रुपीज़ पर स्टिक है, आपको टेस्ट पसंद आया तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डर कर सकते हो, दैट विल बी ऑन योर टेबल इन लाइक 10-15 मिनट्स। उसके बाद आते हैं डिनर। डिनर टाइम इज़ एट 9:30। एक बात बता दूं कि हमें यहाँ पे अभी तक तो लाइक किचन इज़ ऑन गोइंग, लेकिन फिलहाल हम लोग किचन जो ऑपरेट कर रहे हैं वो यहाँ से लाइक 500 मीटर अहेड वहाँ से हमें यहाँ पे गर्मा गर्म खाना आ जाता है। तो हमारा ये आपको एक रिक्वेस्ट होता है कि जितना जल्दी हो सके खाना खा लोगे तो अच्छा रहेगा, खाना गर्म मिल जाएगा। एक कुछ अगर आप बोलोगे कि यार हम लोग 11 बजे खाएंगे तब तक खाना बहुत ठंडा हो जाता है, तो मोस्टली हमारा रिकमेंडेशन होता है कि एक मैक्सिमम 10:15-10:30 तक हम लोग सबको खाना सर्व कर देते हैं। उसके बाद आपके टेबल्स वगैरह क्लीन किए जाएंगे, ऑब्वियसली आप कल सुबह उठोगे और देखोगे यार टेबल पे मेरी प्लेट पड़ी हुई कल ये अच्छा नहीं लगता, तो इसी हिसाब से सबको एक 10:30 के अराउंड हम लोग खाना सर्व कर देते हैं। डिनर में वेज मेन्यू होगा मटर पनीर दाल फ्राई जीरा राइस सलाद पापड़ स्वीट डिश चपाती, नॉन वेज में मटर पनीर की जगह चिकन ग्रेवी और सॉल्टेड सूप आ जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए डिनर अनलिमिटेड है, तो उसमें जो राइस चपाती मेन ग्रेवी जो होती है और दाल ये 4 चीज़ें अनलिमिटेड है, बाकी सलाद पापड़ स्वीट डिश आपको 1 time सर्व हो जाता है। ये होने के बाद लेट नाइट बैठने के लिए इट्स कम्प्लीटली सेफ आउट ईयर। आपकी सेफ्टी के रीज़न बता दूँ, मैंने जैसे बता दिया कि फार्म्स के ओनर और कैंप साइट के ओनर सेम ही है, इसी वजह से आपको किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और दूसरी एक बात, हमारे दो केयर टेकर 24 आवर्स वो रूम्स में रहेंगे,
और ये जो दोनों भी गेट है, जैसे ये फ्रंट गेट और बैक गेट, दो बैक डोर गेट, दोनों गेट लॉक हो जाते हैं, तो आपको ऐसे लेट नाइट अगर आप बाहर बैठोगे तो भाई कोई आएगा पूछेगा ऐसे कुछ नहीं, यू आर इन कंप्लीटली सेफ जोन काइंड ऑफ। दूसरे दिन सुबह एक अच्छा सनराइज आपको एंजॉय करना है तो आई वुड से 6:30, 6:45 का अलार्म लगा लीजिए, जितनी जल्दी उठेंगे आपको एक अच्छा सनराइज देखने को मिलेगा। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, रिवर साइड जाएंगे तो भी अच्छा है, और एक सिंपल सा व्यू चाहिए आप सीधा सामने चले जाइए, आपको रिवर में पूरा मिरर व्यू दिख जाएगा एग्जैक्टली। सो ये हो गया अबाउट द सनराइज। उसके बाद गेम्स वगैरह वो सारी चीज़ें बता दी मैंने। सुबह उठने के बाद फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद आपको एग्जैक्टली 8:30 को हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए पूछेंगे। अगेन ब्रेकफास्ट भी आपको टेबल पे सर्व किया जाएगा, जिसमें आपको रहेगा कांदे पोहे एंड चाय, महाराष्ट्र काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। सो कांदे पोहे एंड चाय विल बी सर्व्ड ऑन ए टेबल। ब्रेकफास्ट होने के बाद चेकआउट का टाइम 10:30 है अप्रोक्सीमेटली, आपको जैसे निकलना हो आप हमें बता दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली 10:30 का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 11 बजे तक अलाउड करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी सीजन इज ऑन, बुकिंग्स फुल चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये टेंट जो आप यूज़ करते हैं तो उनका क्लीनिंग वगैरह वो सारा काम होता है, तो इसलिए हम लोग 11 बजे तक वैसे अलाउड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हो। सो इट्स स्नैक्स टाइम और इन्होंने स्नैक्स में दिए गोभी मंचूरियन एंड टी। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I conversation changes and no one